सिवान को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और सौगात मिली है। शहर के पकड़ी मोड़ के समीप सदागत हॉस्पिटल का उद्घाटन बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने फीता काट कर किया। उद्घाटन के दौरान मंत्री नारायण प्रसाद का माला पहना कर स्वागत किया गया। इस हॉस्पिटल में प्रसिद्ध डॉक्टर मुकुल प्रसाद, डॉक्टर प्रवीण कुमार प्रसाद मरीजों का इलाज करेंगे। गरीब मरीजों को आर्थिक सहूलियत भी दी जाएगी ताकि पैसे के अभाव में उनकी जान न जा सके। मंत्री नारायण प्रसाद ने कहा कि सिवान के लिए एक अच्छा मौका है कि मरीजों को बड़े शहरों की तरह इलाज की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल खुलने से यहाँ के लोगों को इलाज की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यह हॉस्पिटल मरीजों के लिए वरदान साबित होगा। उद्घाटन के मौके पर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर मुकुल प्रसाद, डॉक्टर प्रवीण कुमार प्रसाद, समाज सेवी वीरेंद्र कुमार उर्फ बबलू गुप्ता, अजय कुमार गुप्ता, मंतोष कुमार, शुभिंदर कुमार साहू, ओम प्रकाश साहू, विकास साहू सहित कई लोग मौजूद रहे। देखिए, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, लोगों ने हमेशा से बिहार के निवासियों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए सारी प्रक्रियाएं हम लोग धीरे धीरे सब पूर्ण कर लिए। तीसरा वेव का जहां बात चल रहा था कोरोना का, वो आया नहीं और बिहार अभी कोरोना से मुक्त होने जा रहा है। मात्र आपको पूरे बिहार में 13 करोड़ लोगों के बीच में 5-6 कोरोना होना बहुत बड़ी बात नहीं। अब धीरे धीरे जो हमारे कोरोना से पीड़ित लोग हैं स्वस्थ होते जा रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि अब कोरोना का चर्चा कहीं नहीं है। जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2 गज की दूरी बनाए रखिए, मास्क जरूर पहनिए, साबुन का इस्तेमाल जरूर कीजिए, लेकिन हम जनता जो है ना कुछ लापरवाह किसी के है, उस चीज़ का पालन हम लोग नहीं कर रहे हैं। कोरोना आया तो सारे लोग पालन किया और धीरे धीरे कोरोना जब समाप्त होने लगा तो लोगों ने एकदम ढिलाई बरतना शुरू किया। ढिलाई बरतना नहीं है कोरोना में, कोरोना में सावधानी बरतना है, मास्क है जरूरी और आपको 2 गज की दूरी है जरूरी, ये चीज़ का पालन होना चाहिए। स्वास्थ्य के विषय में जहाँ तक प्रश्न आपने किया है, अब करीब करीब कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ हमारे सरकारी अस्पताल नहीं है। डॉक्टर भी हम लोग पूर्ण कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर ही लेकर कर रहे हैं, ऑक्सीजन की भी व्यवस्था कर रहे हैं, जितनी भी व्यवस्था होनी चाहिए सरकारी स्तर से लेकर और प्राइवेट में भी लोगों ने इच्छा जाहिर किया है, अपना अपना क्लिनिक बनाया है, अपना अपना हॉस्पिटल बनाया है कि ताकि जनता को सेवा किया जा सके। अस्पताल में सभी सुविधा रहने के बावजूद भी ज़्यादातर देखा जाता है कि केसेस को पटना या गोरखपुर रेफर कर दिया जाता है, कि ऐसे क्यों नौबत आ रही है? ऐसी नौबत इसलिए आती है कि एक्सपर्ट होते हैं हर बीमारी, जो बीमारी का एक्सपर्ट यहाँ नहीं है उसको इसलिए ट्रांसफर किया जाता है ताकि समुचित मात्रा में उसको वहाँ ट्रीटमेंट और दवा की व्यवस्था मिल जाए ताकि वो स्वस्थ हो सके। हमारे मित्र कहिएगा भाजपा के साथी हैं, उनको रांची चले गए, रांची में वहाँ जो है उनको लेंस में प्रॉब्लम आया, वहाँ के डॉक्टर ने चेक किया लेकिन वहाँ फुली चेक और दवा करने में सक्षम नहीं हुआ था। एयर एम्बुलेंस से हम लोग दिल्ली भेजवाए एम्स में और वहाँ अभी जाकर वो स्वस्थ हो रहा है और ठीक हो रहा है। इस हॉस्पिटल के लिए क्या शुभकामना देना चाहेंगे? इस हॉस्पिटल के लिए हमारी शुभकामना है, सिवान वासियों के लिए शुभकामना है, ये डॉक्टर साहब यहाँ जो डिग्री लेकर आए हुए हैं, सरकारी भी काम में रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी कि कुछ समय जो समय बचता है सरकारी कार्य से उसमें यहाँ जनता के सेवा के लिए ही बैठेंगे। और इनसे हमने कहा है कि साहब गरीबी भी बहुत गरीबी भी है अपना देश, उसमें बहुत गरीब है, आप जो फीस का रेट लगाए हैं उसमें उसको भी सहूलियत मिलना चाहिए। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर चीज़ में रिजर्वेशन महिलाओं के लिए किया है, पहले कोई भी सरकार महिलाओं पर इतना चिंता नहीं करती थी, अब हम लोगों के सरकार ने महिला जो हमारी आधी आबादी है, हमारी माँ है, बहन है, बेटी है, ये सब कवर चिंता करे, उसी तरह इन लोगों से हमने कहा है कि आप गरीब जनता आए कम भी फीस दे तो उसको फीस को मत देखिए, उसकी बीमारी को देखिए और बीमारी को ठीक करने का काम कीजिए और आपको जनता आशीर्वाद देगी जिससे फिर आगे आप बढ़े। आज कहाँ पर अस्पताल का उद्घाटन किया गया है, क्या कुछ नाम है और क्या कुछ खास विशेषता रहेगी इस हॉस्पिटल के? जी, हम मेरे हॉस्पिटल का नाम सरागर हॉस्पिटल है, यहाँ पे हम लोग आज का उद्घाटन हुआ है इसका। पकड़ी मोड़ से 100 मीटर
उत्तर पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग की है, यहाँ पे लोगों को सबसे सस्ता और सबसे अच्छा इलाज दिया जाएगा, उन लोगों को जितना अच्छा से अच्छा यहाँ पे सब इलाज हो सकेगा उतना दिया जाएगा। क्या कुछ और व्यवस्था रखा गया? ओपीडी बेसिस पे लोगों का ट्रीटमेंट होगा और डे केयर में पेशेंट का यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा। कितने डॉक्टर यहाँ बैठेंगे और किस तरह के बीमारियों का ज़्यादातर इलाज करने के लिए? यहाँ पे लकवे का हो गया, मिर्गी का, ये सब भी दिमाग से रिलेटेड कोई बीमारी होगा उसका इलाज करेंगे। जनरल फिजिशियन, शुगर हो गया आपका, सांस लेने में कोई तकलीफ हो उन लोगों की बीमारी का इलाज होगा यहाँ पे, पेट से रिलेटेड संबंधित बीमारी होगी उसका इलाज होगा यहाँ पे। और आँख के डॉक्टर के लिए हमारे डॉक्टर साहब हैं वहाँ पे, वो बात करेंगे आपसे। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अंकुर प्रसाद है। मैं डॉक्टर प्रवीण प्रसाद, मैं आँखों के इलाज के लिए यहाँ का डॉक्टर हूँ और आँखों से संबंधित बीमारी का मैं इलाज करता हूँ। जैसे रिफ्रैक्टिव हो गया और आँख से संबंधित जितनी बीमारियाँ हुई लगभग सबको आई डॉक्टर सबको देखो करने का प्रयास करूँगा। हॉस्पिटल में देखा जाता है कि ज़्यादातर गरीब मरीज भी वहाँ पहुँचते, तो वैसे में उन लोगों के लिए खास क्या व्यवस्था आप लोग रखेंगे? गरीब मरीजों के लिए अगर गरीब मरीज आते हैं तो उनको फीस में रियायत दी जाएगी, जितना पॉसिबल हो मतलब अपने तरफ से कर देने की उतना प्रयास करेंगे, गरीब मरीजों को सहायता कर दी जाए। सिवान के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? सिवान के लोगों से अपील करना चाहेंगे कि अगर आप आते हैं और यहाँ पर अगर सेवा का मौका देते हैं तो ज़रूर हम आपकी सेवा में इस तरह के दाहिनी बढ़ने छः तरह के संभव हो, मैं आपको इलाज करने का प्रयास करूँगा। ये क्लिनिक कहाँ पे खुला है? ये क्लिनिक है पकड़ी मोड़ से 100 मीटर उत्तर में, हॉस्पिटल का नाम है शरणागत हॉस्पिटल, आपको पड़ेगा। अपना नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर प्रवीण प्रसाद। इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में धूम मचाने के लिए आपके शहर सिवान में आ गया है दास इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर आपको मिलेगी हर प्रकार की नंबर 1 ब्रांडेड वस्तुएं, जिसमें मॉडलर स्विच, टेबल फैन, सेलिंग फैन, फैंसी लाइट्स आदि प्रकार की ओरिजिनल वस्तुएं हर समय उपलब्ध रहेंगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए दास इलेक्ट्रॉनिक्स, NR मार्केट, शॉप नंबर 2 N3, महादेवा नियर शिव मंदिर, सिवान।